नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू एमईजी 10 के ब्लॉक 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है द मार्च ऑफ टेली इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो टेली है, इसकी फुल फॉर्म है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेली की हिस्ट्री क्या है, टेली कैसे और क्यों इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई, एंड हम ये भी जानेंगे कि टेली की फेजेस क्या क्या हैं एंड किस फेज में टेली की कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं द मार्च ऑफ टेली इन इंडिया की इंट्रोडक्शन से। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैज बीन कैरिड ऑन इन अवर कंट्री फॉर वेल ओवर अ सेंचुरी। मतलब कि हमारी कंट्री में इंग्लिश लिटरेचर की टीचिंग लगभग एक सेंचुरी से भी पहले से चली आ रही है। द ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया मोर देन 30 ईयर्स एगो, बट इवन टूडे द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो काफ़ी सालों पहले इंडिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है एंड जो इंग्लिश लिटरेचर की इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही है इंडिया में। एंड जो इंडियन राइटर है वो इंडियन नेस के थ्रू ही अपने कॉन्टेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। मींस कि इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिटरेचर्स लिखते हैं, लेकिन लिटरेचर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है एंड टेस्ट स्टाइल इंडियन ही प्रेफर किया जाता है। तो इस तरह से दो तरह की लिटरेचर्स का जन्म हुआ, फर्स्ट इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड सेकंड कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन एडिशन टू ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर। तो इस तरह से जो इंडिया के लिटरेचर्स थे उनकी दो सब कैटेगरीज बन गई थी। एंड द ब्रज कर्चू हैज़ यूज द वर्ड नॉन नेटिव लिटरेचर्स फॉर लिटरेचर्स इन इंग्लिश प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री इंडिया। मतलब कि ब्रज कर्चू ने एक वर्ड यूज़ किया है नॉन नेटिव लिटरेचर्स, उन लिटरेचर्स के लिए जो कि इंग्लिश में लिखे गए हैं एंड जिन्हें लिखा है इंडियन लोगों ने, मतलब कि इंडियन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों ने जो इंग्लिश में लिटरेचर्स लिखे हैं उन्हें ब्रज कर्चू ने नॉन नेटिव लिटरेचर्स कहा है। तो यहाँ पर नॉन नेटिव का मतलब है कि इंग्लिश इंडिया की जो है नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, इसको लर्न किया गया है, इसको बोरो किया गया है ब्रिटिशर्स से, एंड इसीलिए इस लैंग्वेज को नॉन नेटिव लैंग्वेज माना जाता है। मतलब नेटिव लैंग्वेज होती है जो इंडिया की पर्सनल जो अपनी लैंग्वेजेस हैं उनको हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो जो इंग्लिश है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, वो हमने बोरो की है ब्रिटिशर्स से, इसीलिए इस लैंग्वेज के लिए जो है नॉन नेटिव वर्ड का यूज़ किया है। तभी जो लिटरेचर्स जो इंग्लिश में लिखे गए हैं लेकिन उन्हें इंडियन लोगों ने लिखा है, तो उन लिटरेचर्स को यहाँ पर नॉन नेटिव लिटरेचर्स कहा गया है, बिकॉज वो इंग्लिश में लिखे गए हैं एंड इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए नॉन नेटिव लिटरेचर्स जो है कहा गया। हालांकि स्टार्टिंग में ये जो इंडियन नॉन नेटिव लिटरेचर्स थे उनको उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाई। मतलब कि इंडियन राइटर जो कि इंग्लिश में लिखा करते थे उन्हें लिटरेरी ट्रेडिशन का पार्ट नहीं माना जाता था, पर धीरे धीरे नॉन नेटिव लिटरेचर्स को भी फिर धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलने लगी। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ टेली। ओके, देन अंडर द कॉलोनियल रूल पीपल एंड स्टूडेंट्स वर मेड टू स्टडी द इंग्लिश लिटरेचर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कॉलोनियल पावर्स। जैसे कि आपको पता है कि जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था, जब उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, तो उन्होंने अपनी ही कॉलोनियल पावर के सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर को फोर्सफुली इंडियन पीपल एंड इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इम्पोज किया था। एंड इसमें ब्रिटिशर्स का अपना मोटिव था, बिकॉज ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू डेवलप अ क्लास विच इज इंडियन बाय ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट इन स्टाइल इन डिसिप्लिन एंड इन ओपिनियंस। मीन्स कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडियन नेटिव्स को इंग्लिश एजुकेशन दे, ताकि इंडियन पीपल ब्लड एंड कलर से तो इंडियन रहें, बट उनका टेस्ट, उनका स्टाइल, उनका डिसिप्लिन, उनके ओपिनियंस एंड उनके इंटेलेक्चुअल ब्रिटिशर्स हो जाए। एंड इंडियन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर ब्रिटिशर्स चीप लेबर भी चाहते थे, ताकि कम से कम वेजेस पर इंडियन लोगों को काम पर लगाकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके एंड अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके। एंड बेसिकली देखा जाए तो मैकॉले की डॉक्यूमेंट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ने इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर को इंडियन नेटिव्स को पढ़ाए जाने के लिए मेजर रोल प्ले किया है। इस मैकॉले की मिनट डॉक्यूमेंट ने ब्रिटिश इंडिया के एंटायर सिनेरियो को चेंज किया था। मैकॉले जो थे वो ब्रिटिश ईरा में इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर रहा है एंड इसी ने क्लेम किया था कि इंडियन एजुकेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, ना कि हिंदी लैंग्वेज में। हालांकि इसके पीछे जो ब्रिटिशर्स थे उन सब का एक अपना पर्सनल बेनिफिशियल मोटिव था, बट मैकॉले की मिनट डॉक्यूमेंट के बाद ही धीरे धीरे टेली जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट की जाने लगी, यानी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया का दौर इंडिया में स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये थी टेली की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ टेली।
ओके, तो टेली यानी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया की 4 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले है कॉलोनियलिज्म स्टेज जो कि 1800 से 1900 तक है। सेकंड है नेशनलिज्म स्टेज जो कि 1900 से 1950 तक है। थर्ड है इंडिपेंडेंस स्टेज जो कि 1947 से लेकर 1951 तक है। एंड लास्ट है पोस्ट कॉलोनियल स्टेज जिसे द नियो कॉलोनियल स्टेज भी कहा जाता है एंड ये 1950 से लेकर 1980 तक है। ओके, तो अब हम बारी बारी से इन सभी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हमारी फर्स्ट स्टेज जो कि है कॉलोनियलिज्म स्टेज। इट इज सेड बाय प्रांजपे दैट टेली वाज अ हैंडमेडन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर। यानी कि प्रांजपे के अकॉर्डिंग टेली जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक कल्चरल एंड एजुकेशनल सिस्टम है। मीन्स की टेली यानी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया अंग्रेजों की ही उपज है एंड इन्होंने इंडियन लोगों के ट्रेडिशनल कल्चर एंड एजुकेशनल सिस्टम को खत्म कर लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर उन्हें वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट करने को मजबूर किया था। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन नेटिव्स को इंग्लिश एजुकेशन इसीलिए दे रहे थे ताकि वो अपने ऑफिशियल वर्क्स के लिए चीप इंडियन क्लर्क्स लगाएं ताकि उनको उससे फायदा मिल सके। एंड अंडर दिस फेज द कल्चरल सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न क्लासिक्स वाज इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट्स एट इंडियन यूनिवर्सिटीज। मीन्स की इस कॉलोनियलिज्म फेज में वेस्टर्न कल्चर की सुपीरियरिटी को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पर इम्पोज किया गया। इंडियन स्टूडेंट्स को बिलीव कराने की कोशिश की गई कि उनके अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफीरियर हैं एंड जो वेस्टर्न कल्चर है वही रिच एंड सुपीरियर है। इवन ब्रिटिशर्स द्वारा इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाना इंडियन नेटिव्स की बेटरमेंट के लिए नहीं था, ना ही ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को सच में एजुकेट करके उन्हें रिस्पेक्टफुल बनाना चाहते थे। बस इनको इंडियन लोगों की इंग्लिश एजुकेशन का फ़ायदा लेना था। एक्चुअली अंग्रेजों को खुद इंडियन नेटिव्स की जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती थी, ना ही इंडियन नेटिव्स इनकी लैंग्वेज को समझ पाते थे। तो फिर ब्रिटिशर्स को नेटिव इंडियंस को रूल रेगुलेशन बताने एंड अपने ऑफिशियल काम करवाने में परेशानी होती थी बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम इंग्लिश थी। तो जो जितने भी काम होते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे एंड इन्हें सस्ते क्लर्क्स की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए चाहते थे कि जो इंडियन नेटिव्स हैं वो इंग्लिश एजुकेशन लें ताकि इनका काम निकल सके। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन नेटिव्स की केयर करते थे या उन्हें सच में कुछ रिस्पेक्टफुल इंसान बनाना चाहते थे या उन्हें अच्छे से मॉडर्नाइज करना चाहते थे। एंड इसके अलावा ब्रिटिशर्स के डर्टी माइंड में और भी कई तरह के सेल्फिश मोटिव्स थे। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो टेली है वो अंग्रेजों ने एक्चुअल में अपने ही बेनिफिट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई थी एंड टेली के लिए ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने 1856 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश की ताकि ये इंडियन लोगों को वहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन दें। एंड ये जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट्स फिर ब्रिटिशर्स की वैल्यू करें, उन्हें अप्रिशिएट करें एंड ये भी चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश टेस्ट को, ब्रिटिश जो स्टाइल है उसको कॉपी करें। मीन्स कि कम्प्लीटली फिर ब्रिटिशर्स के जैसे ही बन जाए, मतलब कि यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन देकर ये इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी तरह बनाना चाहते थे। ये उनकी एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहते थे इंडियन स्टूडेंट्स की जो कि इंडियन जो है वो सिर्फ ब्लड एंड कलर से हों, अदरवाइज उनका टेस्ट, उनका ओपिनियन, उनके मॉरल, उनके इंटेलेक्चुअल सब कुछ बिल्कुल ब्रिटिशर्स के जैसा हो। ये ऐसा इसीलिए करना चाहते थे ताकि जो इंडियन नेटिव्स हैं वो उनकी रूलिंग को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करें एंड कभी भी उनके अगेंस्ट कोई रिवॉल्ट ना कर सके। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तरह से इंडियन नेटिव्स को मेंटली अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे एंड थ्रू टेली इंडियन नेटिव्स वर टॉट टू गिव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ब्रिटिश राइटिंग्स एंड आल्सो टॉट इंडियंस दैट इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी मच सुपीरियर दैन नेटिव इंडियन लिटरेचर। मीन्स की इस फेज में टेली के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेटिव्स को सिखाया कि उन्हें ब्रिटिश राइटिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है एंड उन्होंने ये भी सिखाया कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो इंडियन लिटरेचर से 100 times बेटर है, मीन्स की सुपीरियर है। तो ऐसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो टेली के थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स के माइंड को वॉश कर रहे थे। ओके, तो यही था फर्स्ट स्टेज के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकेंड स्टेज जो है नेशनलिज्म। ओके, तो इस सेकेंड फेज में टेली में न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हुए एंड ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन नेटिव्स को लो ग्रेड जॉब के अलावा और कोई जॉब नहीं दी जाती थी। तो फिर जो एजुकेटेड लोग थे या जो एजुकेशन लेना चाहते थे उन्होंने फिर इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा एंड फिर इन स्कॉलर्स ने यूनिवर्सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड इस तरह से मजबूरी में इंडियन लोगों ने इंडियन इंग्लिश टीचर्स की जॉब पाई एंड इस तरह से टेली पर इंडियन टीचर्स ने भी अपना इम्प्रेशन छोड़ा। एंड फिर जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन
ट्यूशन ली थी उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू किया। मीन्स कि जैसे कि जो इंग्लिश के वर्ड्स थे उनको ट्रांसलेट किया जाने लगा इंडियन लैंग्वेजेस में, मतलब इस तरह के जो है कुछ चीज़ें जो है उस टाइम पे स्टार्ट की गई। एंड जब यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन लोगों को ही इंग्लिश लिटरेचर का टीचर रखा गया तो उससे बहुत सारे जो नेटिव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने लगे। मतलब एक तरह से जब टीचर इंडियन लोग ही थे इंग्लिश लिटरेचर के तो बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए कि वो भी इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे से टेली के कारण ही इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस एक्वायर कर लिया। एंड इसके साथ साथ ही टेली के कारण इंडिया में इंग्लिश का जो यूज़ था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मीन्स इन द हैंड ऑफ इंडियन टीचर इंग्लिश गॉट अ न्यू शेप एंड द ब्रिटिश ऑथर्स कंसर्न फॉर फ्रीडम एज वेल एज फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट इंस्पायर्ड इंडियन इंग्लिश टीचर्स टू स्ट्रगल फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। मीन्स की टेली से एक मेजर फ़ायदा भी हुआ था इंडियन नेटिव्स को, हुआ ये था कि जिन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा था या सीखा था उन्होंने वेस्टर्न इंग्लिश लिटरेचर्स को पढ़ना स्टार्ट किया एंड वेस्टर्न लिटरेचर से उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रीडम जैसे एस्पेक्ट्स का नॉलेज हुआ। बिकॉज ब्रिटिश लिटरेचर जो थे वो फ्रीडम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ राइट्स पर ही बेस्ड होते थे तो जब इंडियन लोगों ने इन्हीं की इंग्लिश लिटरेचर्स को पढ़ लिया तो इंडियन इंग्लिश टीचर्स एंड इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स को उन्हीं के लिटरेचर से अपने ओन फ्रीडम को पाने के लिए मोटिवेशन मिली एंड इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स ने ब्रिटिश लिटरेचर से ही सीखा कि उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करना चाहिए एंड इसीलिए उन्होंने फिर इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल स्टार्ट भी किया। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो जो अफॉर्चुनेटली ही सही जो इंग्लिश लिटरेचर थी उन्होंने इंडियन लोगों को इंस्पायर किया था फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो कि ब्रिटिशर्स ने भी सोचा नहीं था बिकॉज उन्होंने तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो अपने बेनिफिट के लिए इंग्लिश जो है यहाँ पर लागू की थी। लेकिन बाद में फॉर्चुनेटली ये दाव जो है उल्टा पड़ गया था बिकॉज इसी इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन इंग्लिश स्कॉलर्स ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही फिर एज अ वेपन यूज किया। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड फेज। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड फेज जो है इंडिपेंडेंस। In this phase, Delhi not only filled the feeling of nationalism in Indians, but also become one of the medium of freedom struggle and helped Indian in achieving freedom. यानी कि इस phase में जो Delhi है उसने एक तरह से nationalism की जो feeling है वही लोगों में नहीं जगाई थी, बट जो Delhi है वो एक medium बना था freedom struggle का एंड Delhi की help से ही Indian लोगों ने जो है freedom achieve भी की थी। मतलब कि इस दौरान जो भी लोग English जानते थे उनकी thinking काफ़ी ज़्यादा broad हुई एंड वो लोग British colonial rules को उनकी जो मोटिव्स थे एंड उनकी रूलिंग स्टाइल को समझने लगे तो फिर इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स ने इंडिपेंडेंस के लिए इंग्लिश लिटरेचर्स को एज अ वेपन यूज किया था तो फिर उन्होंने अपनी जो फ्रीडम है वो अचीव कर भी ली थी। And the colonizers who had inculcated English for their own benefits had to face the result of their cunningness. तो यहाँ पर cunningness का मतलब है चलाकी से कुछ करना। Means कि यहाँ पर बताया गया है कि जिन colonizers ने बड़ी चलाकी से English को अपने benefits के लिए India में impose करवाया था उसी चलाकी के कारण उन्हें बाद में हार भी देखनी पड़ी थी। मतलब कि उनको इंडिया पर अपनी ruling जो है वो खत्म करनी पड़ी थी, उनको इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा था। ओके, तो ये था हमारा थर्ड स्टेज। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ स्टेज जो कि है पोस्ट कॉलोनियल फेज एंड इस फेज को नियो कॉलोनियल फेज भी कहते हैं। तो इस फेज में इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए नए रीजंस मिल गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो अब इंग्लिश इंडियन नेटिव्स की लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी थी तो इस फेज में नेटिव इंडियंस का लार्जेस्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर्स को पढ़ने लगा एंड इंग्लिश लिटरेचर से हायर एजुकेशन लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल गई। एंड ड्यूरिंग पोस्ट कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज सैंक्शनड मैनी ग्रांट एंड फेलोशिप्स। मीन्स कि इस पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में टेली के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने बहुत सी ग्रांट्स एंड फेलोशिप जो है वो सेंक्शन की थी ताकि इंग्लिश लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में स्प्रेड किया जाए। The era of 70s and 80s was remarkable in the context of publication of foreign journals and establishing literary journals in English in India by Indian scholars. मीन्स कि 1970 से लेकर 1980 एक रिमार्केबल पीरियड रहा है इंडिया में एंड इंडियन स्कॉलर्स ने भी बहुत सी इंग्लिश लिटरेरी जर्नल्स जो हैं वो इंडिया में पब्लिश की थी। मतलब कि इस दौरान इंडिया में एक तरह से इंग्लिश जर्नल्स एंड फॉरेन जर्नल्स की बाढ़ आ गई थी एंड इस तरह से पोस्ट कॉलोनियल फेज में लिटरेचर की इंडिया में जो ग्रोथ है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच चुकी थी। इवन इस दौरान बहुत से वेस्टर्न लोग भी इंडियन द्वारा लिखी गई इंग्लिश राइटिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगे
एंड मैक्सिमम वर्क्स जो कि इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश में लिखे थे उन्हें एक तरह से 70s एंड 80s में वर्ल्ड वाइड फेम मिला। तो इस तरह से टेली के कारण इंडियन लिटरेचर्स की काफी ज्यादा ग्रोथ हुई, बिकॉज आपको पता है कि अगर टेली नहीं होता तो इंडिया के जो लोग हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, एंड इंग्लिश नहीं पढ़ते तो वो कभी इंग्लिश में लिटरेचर लिखते नहीं, एंड लिखते नहीं तो वो कभी फेमस नहीं होते अपने इंग्लिश लिटरेचर्स के लिए। तो एक तरह से जो टेली है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर्स को फेम दिलाने में, बिकॉज आपको पता है कि टेली की फुल फॉर्म क्या है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, यानी कि अगर टीचिंग नहीं होती इंग्लिश लिटरेचर की इंडिया में तो ये सब नहीं होता। एंड टेली की सुपर मेसी ने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अट्रैक्ट किया, एंड टेली की इंडिया में प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जो कि आज तक फैली हुई है। आप सबको पता है कि आजकल इंग्लिश लिटरेचर की इंडिया में कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितना ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर इंडिया में डे बाई डे पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब इग्नू में ही देख लो, इग्नू में मैक्सिमम जो आपके MEG हैं उनमें वेस्टर्न लिटरेचर को इंक्लूड किया गया है। मैं यहाँ पर MEG 10 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है या फिर ब्रिटिश लिटरेचर है। तो इस तरह से मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ इंग्लिश इज काउंटेड एज वन ऑफ द अदर इंडियन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज और एन एलियन लैंग्वेज। मतलब कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की अब नेटिवाइजेशन हो चुकी है, तो इंडियन लोगों के लिए अब इंग्लिश जो है वो कोई फॉरेन लैंग्वेज या एलियन लैंग्वेज नहीं रही है। तो यही था द मार्च ऑफ टेली इन इंडिया टॉपिक के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड MEG 10 पर अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं, अगर आपको वो भी देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तभी आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड आपके एग्जाम भी नियर हैं तो आपको ज़रूरी है कि इस टाइम पर आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।